हाय किड्स, हाय सर। आज हमने ये करना है, हाउ बिग इज योर क्यूब। अब देखो, पहले के जो वाला ये वाला चैप्टर था, इसमें हमने क्यूब बनाया था। yes, आपने ये क्यूब्स बना के लेके आए हो ना, ऐसे yes, सारे बच्चे ऐसे क्यूब्स बना के लेके आए हैं। yes, सर। ओके, अब देखो, ये जो हमने क्यूब बनाया है, इस क्यूब पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस क्यूब से रिलेटेड, ठीक है? आज वो देखते हैं। अब देखो, हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब। अब देखो, जो ये क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अब जरा नापो इसको, कितना है ये, कितनी है इसकी साइड? 7 सेंटीमीटर। कितने हैं ये? 7 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ। अब देखो, हमारे पास जो डाइस होता है, yes, अगर हम इसकी एक साइड पे अगर वो डाइस को लगाएं, तो कितने डाइस लगेंगे इसकी एक साइड पे? 7। विड्थ पे? 7। हाइट पे? 7। साथ साथ ही लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक क्यूब। अगर ये क्यूबॉइड होता तो अलग अलग हो सकता था। अब देखो, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल डू आई नीड टू मेक अ प्लेटफॉर्म एज बिग एज द पेपर क्यूब। अब देखो, अब कुछ थिम्पू, ये जो बच्चा है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर देने हैं आपने। टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई यूज। ठीक है, अब देखो, इसकी एक साइड पे कितने लगेंगे? एक साइड पे कितने लगाए हमने? 7। इस साइड पे? 7। तो अब तो जो इसकी सबसे नीचे की जो लेयर होगी, मतलब यहाँ पे जो लेयर आएगी, 7 × 7 की आएगी, तो कितने हो गए टोटल? 49। हाउ मेनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब। तो ऐसी पूरी इसको बनाने के लिए, पूरे इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कितनी लेयर्स लगेंगी? 7 लगेंगी। सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? गुणा किसको, किससे? 49 को 7 से करो गुणा, कितना आएगा? 3 343। द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज, तो वो बोल रहे हैं कि इस पेपर का जो वॉल्यूम है कितना हो गया, वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और है। अनन मेड अ बिग क्यूब हैविंग डबल साइड ऑफ योर क्यूब। अब जो हमारा क्यूब था, इस क्यूब की साइड कितनी है, कितनी है इसकी साइड? 7। अब इसकी डबल हो जाए साइड, अगर मतलब पहले 7 था तो अब डबल हो गई, इसका मतलब कितनी हो जाएगी? 14। हाउ मेनी, मतलब 14, हाउ मेनी ऑफ योर क्यूब्स विल फिट इट इन। अब देखो, जो ये आपका ये क्यूब है, अगर इसकी साइड डबल हो जाए, अभी मतलब ये कितना था? 7। अब देखो, एक क्यूब यहां पर और आ जाएगा 7 का। यस सर। ठीक हो गया, कितने हो, कितने क्यूब्स हो गए? 2। इधर 3, इधर 4। तो मतलब एक लेयर पे अब कितने हो जाएंगे? 4। तो पूरे बॉक्स को बनने के लिए कितने लगेंगे? 8। तो कितने क्यूब्स लगेंगे? 8। 8 क्यूब्स। क्लियर है? यस सर। या नहीं है? जी।